हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो है फॉक्सटेल मिलेट की। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ फॉक्सटेल मिलेट्स, जो ये मैंने भिगो के रख दिए थे 6 से 8 घंटे के लिए। इसको मैंने जो है वो बॉईल कर लिया है नमक डालकर, ताकि मैं बाद में नमक नहीं डालूंगी। मेरे लिए जो इसमें नमक है वो इनफ है, मैंने टेस्ट करके देख लिया था। आप अपने हिसाब से बाद में डाल सकते हैं। तो रेसिपी का नाम है मिलेट तवा पुलाव। तो ये मैंने डॉक्टर सरला, जो डॉक्टर खादर वाली की डॉटर हैं, उनसे इंस्पायर होके बनाई है। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बहुत सिंपल से हैं बता देती हूँ। ये मेरे पास है मिक्स वेजिटेबल है, कैरेट है, ये बीन्स हैं, अनियन है, कैप्सिकम है और टमाटो है। ये मेरे पास है पाव भाजी मसाला। ये मेरे पास है सॉल्ट टू टेस्ट, अगर यूज़ इसमें हुआ तो मैं डालूँगी, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी। ये है मेरे पास जिंजर गार्लिक, जो मैंने इसको क्रश कर लिया है। ये है जीरा, और ये है मेरे पास कोकोनट ऑयल, जो है ग्राउंड नट, सॉरी कोकोनट ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड का है। और ये मेरे पास है लाल मिर्च, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। और इसमें है लहसुन की 4 कलियाँ, इसको मैं पीस लूँगी। अपनी रेसिपी को करते हैं शुरू। ये मैंने तवा लिया था, ये मेरा तवा जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें मैं अपना डालूंगी, आप कास्ट आयरन का तवा कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैं अपना कोकोनट ऑयल डाला है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी अनियन, इसको हमने अच्छे से सॉटे करना है। इस तरह से आपको पता है कि फॉक्सटेल मिलेट का नाम फॉक्सटेल क्यों पड़ा, क्योंकि जब ये ग्रो होते हैं फॉक्सटेल मिलेट, तो इनका जिसमें होते हैं ये फॉक्सटेल, उस पौधे की जो शेप होती है वो फॉक्स के टेल जैसे होती है, तभी इसका नाम फॉक्सटेल रखा गया है। और इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, तो जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम है ये फॉक्सटेल मिलेट ले सकते हैं। आप बढ़ते बच्चों को फॉक्सटेल दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। हाँ, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर खादर वाली कहते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो फॉक्सटेल नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो आप बढ़ते बच्चों को ये फॉक्सटेल मिलेट ज़रूर दीजिए। इसकी स्मूदीज भी बनती हैं, इनके शेक्स भी बनते हैं, आइसक्रीम, आप इसके कुकीज़ बना के बच्चों को दे सकते हैं। मैं अब मिलेट्स की कुकीज़ लेके आपके ये अपने ये देखिए, ये हमारे थोड़े से पक गए हैं। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगेंगे सब्जियों को पकने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारा हमने पीसा था रेड चिल्ली का, तो ये मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें। मैंने कम स्पाइसी रखा था, मैंने सिर्फ 2 से 3 लाल मिर्च ली थी। आप अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा डाल सकते हैं।
हम डालेंगे ये टमाटर, और ये जो मैंने लिया था अदरक लहसुन को जो मैंने कूट लिया था वो है, इनको अच्छे से हमने सोटे कर देना है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें मैं अपना हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, जो कलर आएगा उसी से ही आएगा। मैंने सिर्फ इसमें उबालते हुए नमक डाला है और आपके सामने जो मसाले डाले हैं वो डाला है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना जो हमारे पास पाव भाजी मसाला था। अच्छे से हम इसको पका लेंगे। और जो फॉक्सटेल मिलेट के फायदे हैं ना, जिनको लंग्स की दिक्कत है, सांस लेने में जिनको दिक्कत आती है, वो फॉक्सटेल मिलेट्स ले सकते हैं। जिनको आर्थराइटिस है वो फॉक्सटेल मिलेट ले सकते हैं। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो, उनके लिए तो फॉक्सटेल मिलेट बहुत अच्छा है शुगर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। बस जिनको किडनी की दिक्कत है बस वो नहीं ले सकते, बाकी जिनको इंटरनल बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो फॉक्सटेल मिलेट खाएं। और ये हफ्ते में रोज़ नहीं खाना, हर एक 5 पॉजिटिव मिलेट को आपने दो दो दिन तक लेना है, दो दो दिन के गैप में। जैसे एक दो दिन आपने फॉक्सटेल ले लिया, दो दिन लिटिल ले लिया, दो दिन बार्नयार्ड ले लिया, ऐसे करके आपने 5 पॉजिटिव मिलेट्स लेने हैं। ये मैं ज़ीरा डालना भूल गई थी, तो मैं ये साइड पर मैंने ऑयल डाला है, इसमें मैं अपना ज़ीरा डाल दूँगी इस तरह से, पक जाएगा साइड में। आप इसको कर सकते हैं, आप इसमें कैबेज और पोटैटो डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। आगे मेरे पास थोड़ी सी कैबेज और पोटैटो की सब्जी मैंने अभी बनाई थी बच्चों के लंच के लिए, तो मैं ये वो भी डाल रही हूँ बीच में। इसको हम अच्छे से जो है पका लेंगे, भून लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। मैं इसको ये सेकेंड टाइम ये पुलाव बना रही हूँ, ये पुलाव बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। और आप इसको दही के साथ ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास पीनट दही या सोया कर्ड नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो A2 काऊ मिल्क आता है वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर खादरवाली कहते हैं कि जो मिल्क है ना वो नॉन वेजिटेरियन है। अगर आपने बच्चों को मिल्क देना भी है तो आप जो है A2 काऊ मिल्क दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि वो अच्छा होता है। और अगर आपने मिल्क नहीं लेना, दही लेना है, तो वो आप A2 काऊ मिल्क का दही ले सकते हैं। नीचे मैं वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगी आपकी और अधिक जानकारी के लिए। अब मैं इसमें अपना जो है मिलेट धीरे धीरे वो ऐड कर देती हूँ। आप लास्ट में ना इसमें देख सकते हैं नमक टेस्ट करके, अगर तो आपको नमक ठीक लग रहा है तो आप डालिएगा, अगर आपको लग रहा है कि नमक इसमें कम है तो आप नमक जो है अपने हिसाब से और डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जियां डल गई हैं ना, सब्जियों की वजह से जो है नमक वो आपको कम लग सकता है, बट मेरे लिए इतना नमक ठीक है जितना मैंने डाला था। मुझे लगेगा मैं टेस्ट करके और डाल दूँगी इसमें। तो आप भी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत हेल्दी रेसिपी है।
ये मैं ब्रेकफास्ट के लिए और जो है हस्बैंड के लंच के लिए दे रही हूँ। इसके साथ मेरे पास रहेगा रायता, जो होगा खीरे प्याज और टमाटर का। धीरे धीरे करके हम इसमें अपने जो है वो मिलेट्स डालेंगे। ये मैंने 1 कप मिलेट्स लिए थे और इसमें मैंने 2 कप जो है पानी डाला था, सोक किया था मैंने, उसी पानी के साथ मिलेट्स को कर दिया था। मतलब कि 1 कप फॉक्सटेल मिलेट्स और 2 कप पानी, और सिंपल मैंने इसको बना के ठंडा कर लिया था। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए अच्छे से। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल रही हूँ धनिया। थोड़ा सा धनिया हम गार्निश के लिए रख लेंगे। 1 गैस मैंने बंद कर दिया। तो ये मेरा जो है तवा मिलेट पुलाव फॉक्सटेल का बनकर रेडी है। और इसके साथ ही मैंने जो है वो ये खीरे का रायता जो है, इसमें धनिया हरी मिर्च डालकर मैंने ये रेडी कर लिया है। तो आप ये अपने घर में रेसिपी ज़रूर बताइए और मुझे भी बताइए कमेंट में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी रेसिपी बनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जब आप ये मिलेट लेंगे तो आप इसमें जब सर्व करेंगे तो थोड़ा सा नींबू का रस आप इसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़कर आएगा।